दोस्तों आरसी प्लेन फ्लाई कर करके बोर हो चुका हूँ और मन कर रहा था काफ़ी दिनों से, मेरे पास पार्ट्स भी रखा हुआ था आरसी बोट और आरसी कार के लिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आरसी बोट ही बनाया जाए। तो इस आरसी बोट में स्पीड बहुत ही ज़्यादा है और इस आरसी बोट को मैंने फर्स्ट डे टेस्ट किया था, तो थोड़ा सा चलाया था तो उस दिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, इसलिए मैंने दूसरे दिन इसे चलाने के लिए लाया हूँ और आज मैं काफ़ी इन्जॉय करूँगा इसके साथ। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप इस तरह का हाई स्पीड आरसी बोट बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा पार्ट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये पार्ट्स नहीं होगा। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरह का हाई स्पीड आरसी बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा मोटर यूज करेंगे, कौन सा एसी यूज करेंगे और कौन सा ट्रांसमीटर यूज करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अगर मैं आरसी बोट या आरसी प्लेन बना रहा हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि हर एक चीज़ पूरे डिटेल में आप लोगों को समझा सकूं, चाहे वो लिपो बैटरी हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो बीएलडीसी मोटर हो, हर एक चीज़ के बारे में मैं बारीकी से आप लोगों को समझाता हूँ। बट फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और फिर कमेंट करके पूछते हैं कि भाई बैटरी कौन सा यूज किया है, एसी कौन सा यूज किए हो। तो ये एक एक करके हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सके, पर आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट करके पूछते हैं तो मैं हर एक एक को जवाब नहीं दे सकता है। तो बेहतर होगा कि आप वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता होगा कि अरे इस चीज़ को तो मैं जानता हूँ तो इस चीज़ को मैं क्यों देखूँ। तो जब तक आप किसी चीज़ को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप उसे पूरा देखें और कुछ सीखें, क्योंकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ। और दोस्तों एक बहुत ही ख़ास बात बता दो कि ये आरसी बोर्ड बनाने के लिए मेरे पास इसका कोई डायग्राम नहीं था, मेरे पास इसका सिर्फ दो फोटो था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद रियासत अली और आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ इसे दोबारा चलाने के लिए, क्योंकि उस दिन मैंने ज़्यादा नहीं चलाया था, मेरा मन नहीं भरा था, तो इसलिए आज मैंने दोबारा लेकर आया। और आज मैंने एपीपी गूगल भी यूज़ किया था तो आज चलाने में काफ़ी मज़ा आया। और आज मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप इस तरह का आरसी बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा सामान यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो सामान था वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सामान नहीं होगा। कि अगर आप आरसी बोर्ड बनाना चाहते हैं तो आप कौन सा सामान यूज कर सकते हैं, जैसे कि 22-12 हज़ार के वी का जो बीएलडीसी मोटर होता है उसे आप दो मोटर आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर आपके बोर्ड का वज़न जो है 300 से 500 ग्राम के बीच में होता है तो आप एक बीएलडीसी मोटर यूज करके आसानी से इस आरसी बोर्ड को बना सकते हो। और ट्रांसमीटर मैंने जो यूज किया है वो पिस्टल रिमोट है, आप चाहे तो फ्लाइस का i6, फ्लाइस का t6 वगैरह यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा रेंज क्वालिटी उसमें भी मिल जाता है आपको। और एसी की बात करूं तो आप जो है वो 30 एम्पेयर का एसी यूज ना करें, 40 एम्पेयर का एसी यूज करें। प्रोपेलर जो होता है, प्रोपेलर बहुत ही मेन होता है, अगर प्रोपेलर का साइज आपको पता नहीं है और प्रोपेलर अगर आप मिस यूज करते हैं तो आपका या तो एसी जलेगा, मोटर जलेगा, ये दोनों हमेशा जलेगा। प्रोपेलर जो है वो 25 mm से ज्यादा का यूज ना करें, कोशिश करें कि आपका प्रोपेलर जो है वो 20 mm ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। जैसा कि मेरा जो प्रोपेलर था इसका साइज काफ़ी बड़ा था, मैंने एक एसी जो है वो जला दिया है, वो भी 120 एम्पियर का एसी मैंने जला दिया, तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो इसलिए प्रोपेलर जो यूज़ करें वो 20 mm तक ही यूज़ करें, 20 mm से ज़्यादा बड़ा प्रोपेलर होगा तो आपका एसी जल जाएगा, नहीं तो आपका बीएलडीसी मोटर जो है वो जल जाएगा। और 1000 KV के मोटर के साथ में 40 एम्पेयर का एसी और 20 mm से 25 mm का प्रोपेलर और 2200 mAh का बैटरी यूज करके आप अपने आरसी बोर्ड को कंप्लीट कर सकते हो। और याद रखें आरसी बोर्ड का जो वेट है
वो 500 से 600 ग्राम होना चाहिए। इसमें क्या होगा, आपका स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो आरसी बोट था इससे ज़्यादा भी स्पीड आपको मिलेगा अपने आरसी बोट में। और अगर आपका बोट जो है वो अगर मान लीजिए 1 kg का वेट होता है, तब आप वहाँ पर डबल 1000 kV का VLDC मोटर और डबल 40 एम्पेयर का ESC और 22 mAh का बैटरी उसमें आसानी से यूज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बैकअप भी देगा और काफ़ी अच्छा स्पीड रहेगा। मैं बता नहीं सकता कि कितना स्पीड रहेगा, क्योंकि आप बनाएंगे तो आप बनाने के बाद ही आपको रिजल्ट पता चलेगा कि स्पीड कैसा रहेगा। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात बता दूँ कि मैं जितना भी सामान बनाता हूँ तो मैं YouTube में वीडियो शूट करने के लिए नहीं बनाता हूँ, उसे मैं प्रोफेशनली खुद के लिए बनाता हूँ। ये मेरा शौक है, तो इसीलिए इसका लाइफ जो होता है काफ़ी लॉन्ग लाइफ होता है और आप इसका जो लाइफ होता है वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि मैं इसे पर्सनली अपने लिए बनाता हूँ, मैं YouTube वीडियो शूट करने के लिए नहीं बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।